मोबाइल में दो कमी हो जाती है यहाँ पर, जो फ्लैश लगता है, वीडियो भी बनता है। अच्छी तरह से देख सकते हैं पूरा जगह, मैंने यहाँ से ऐसा खाली किया है ताकि जगह मुझे सांप पकड़ने के लिए मिले। यहाँ पर इस तरह से पूरा सामान निकाल के मैं ज़्यादा सेफ्टी बनूँ, या सांप भागते हुए तो मुझे ये दिखाई दे, इसलिए दोबारा मैं संजय जी के हाथ में ये मोबाइल दूंगा और उसको कोशिश करूँगा निकालने की इस तरह से। हाँ, ये देखो हो गया, दोबारा मोबाइल रुक गया था हमने। सांप भी ऐसा प्राणी है, हमें डर डर के अंदर जाके बैठ जाते हैं। ज़्यादा अंदर घुसने से समझ, स्टिक से हल्का हल्का ये सामान निकालूंगा, ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो तो समझ में आएगा सब कुछ। ये देखिए इस तरह से सामान निकालने के लिए भी स्टिक का भी दूर की स्टिक है, तो उसको ऐसा इस्तेमाल हो जाएगा ताकि अंदर ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है ऐसी जगह पर पहले भी सांप आके जाते हो, क्योंकि चूहे आते रहते, तो हम देखने के बाद सोचने लगते कि अभी रात में कैसा सोने का सांप दिखाई दिया, तो लेकिन ऐसा नहीं रहता है, सांप बहुत बार आके जाते हैं घर में। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सांप को लेके सोना चाहिए, लेकिन हम नहीं पता है उस वक्त भी इतना ही डरना चाहिए जितना अभी हम इसमें हाथ डालने के लिए डरते हैं। तो ऐसा नहीं रहता कि सांप हर बार दिखाई देने के बाद ही आता है काटता है, ऐसा बहुत कम होता है। सांप हमेशा हमारे घर के आस पड़ोस में रहते हैं और आते रहते हैं, बस हम देखने के बाद ये डरना शुरू हो जाता है। ये देखो इस तरह से संजय जी भाई हमारे साथ में है और पूरा घुसकर भी सामान निकालना पड़ा है। ऐसा इतना सांप अगर खतरनाक है तो तजुर्बा बहुत काम आता है, क्योंकि आप नए हैं और पकड़ने के लिए इसमें जगह में घुस रहे, तो सांप आप पे अटैक करने की कोशिश कर सकता है अगर उतना ही वो खतरनाक हो तो, या दोबारा जो सामान निकाला है उसमें जाके भी बैठ सकता है। और सांप कहीं पर भी बिल्कुल नहीं है। पूरा सामान निकाला हुआ है, सांप कहीं पर भी नहीं है। ये देख सकते एक एक सामान हमने निकाला है, छोटा सा छोटा सा भी कहीं पर बैठ जाता तो दिखाई देना चाहिए था, मतलब सांप यहाँ पर आके चला गया है। देखो किधर भी नहीं है, ऐसा होता है। इतना सब सामान हमने निकाला, इधर पकड़ो सर मेरे पर खुश करो। तो पूरी पोटलियाँ जो थी गोबर की वो निकाल चुके हैं, लोगों को तसल्ली चाहिए, सब निकालना पड़ता है। वो फोन पर तो 10 मिनट बोलते हैं, दूसरा फोन है तो प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस तरह से सामान खंगालते हुए बैठना पड़ता है। और अभी इधर गया होगा उधर गया होगा, तो सांप कंफर्म नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाते हैं, इसलिए सांप पकड़ने वालों को भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कभी कभी उनको लगता है कि 5 मिनट मिलेगा, वहाँ पर जाते हैं तो सांप नहीं मिलता, दूसरा फोन आ जाता है, तो वहाँ पर भी जल्दी होकर के लोग उनको टॉर्चर करते रहते हैं। फिर लोगों को तो डर है इसलिए जाना पड़ता है, लेकिन अगर सांप नहीं मिलता तो किस तरह से प्रॉब्लम आते देख सकते हैं, क्योंकि सब सामान निकालना पड़ता है। सांप मिल गया तो अच्छा है, लोग छोड़ देते हैं, नहीं तो थोड़ा इधर उधर देखो करके टाइम वेस्ट करते हैं। उसी वक्त में फ़ोन आया तो प्रॉब्लम आ जाता है। सर्पमित्र जो है सांप पकड़ने वाले ये बात जानते होंगे, साथ ही में आप अगर मुझे देख रहे हैं तो आप कभी आपके घर में सांप आया थोड़ा सा, मतलब सांप उड़ के बिल्कुल नहीं करता, तो आप उधर है क्या, मिलेगा क्या, और नहीं मिला तो टाइम इनका कितना जाएगा, और ये जगह क्या है, और जो सांप पकड़ने वाले हैं वो जो सवाल पूछते हैं जो ज़रूरी है, जो आप अच्छी बात है कि आप डर निकालने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन आपकी डर की वजह से आपका सांप ही नहीं है तो टाइम वेस्ट होके दूसरे का फोन को भी जाने के लिए लेट हो सकता है, इसलिए अपने साथ दूसरे की कदर भी करना जरूरी है। क्योंकि मैं एक्चुअल में सांप जब कॉल आता है अगर मैं खाने पर भी बैठा हूँ तो रुकता नहीं बिल्कुल, एक छोटा सा काम है तो भी हम निकाल के आते, 5 मिनट है 2 मिनट का वो करते नहीं, क्योंकि प्रेशर आ जाता है सांप हमारी वजह से ना चला जाए। इस तरह से चूहे भी है तो सांप इधर उधर आ सकते हैं, तो एक काम करना अलग बात है, हम काम करने से बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन अगर पता हो एक्चुअल में इधर कितना टाइम लगने वाला है, 5 मिनट लगने वाले, 10 मिनट लगने वाले हैं, 1 घंटा लगने वाला है,
अगर सांप नहीं मिला तो हम कितना देर रुकना पड़ेगा ये पता हो जाएगा, ये बता नहीं सकते, लेकिन दूसरे का फोन आए तो वो समझेगा नहीं कि मेरे पास जल्दी आओ बोलेगा, तो ये काफी दिक्कतें आ जाती है। अभी सांपों का पता ही नहीं जा सकता, उन्होंने दरवाजे को लॉक किया था, फिर भी जो सामान है हम निकाल रहे हैं, देखते हैं अगर गलती से इसमें गया है तो हो सकता है। लेकिन एक बार आंखों के सामने अगर कोई सांप नहीं है तो मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आंखों के सामने भी सांप है तो तकरीबन 30-40% सांप नहीं मिलते। आप सोचेंगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सांप जो है अगर होल में है, ज़्यादा सामान है, आने से पहले भाग जाते हैं, तो उस पर भी काफ़ी बातें निर्भर करती है। कभी कभी घर के नीचे होल होता है और लोग भी ये जानते हैं कि यहाँ पर सांप मिलना मुश्किल है, लेकिन वो बोलते कि देख के जाओ, ये देख के जाओ प्रैक्टिकल नहीं होता। ये सब सामान ऐसा कचरा, देखो ऐसी बिल्डिंग है, ऐसी बंदा हुआ, लेकिन आप ऊपर आ जाइए मेरे साथ, यहाँ पर सब होना है वो सब निकालना पड़ता है, सामान सब निकाल के हुआ है और यहाँ पर भी सांप नहीं है। तो देखिए सांप पकड़ने की वीडियो आपने काफ़ी देखे हैं और पकड़े हैं, वही वीडियो हमारे सर्पमित्र मित्र बनाते हैं। अब ये नहीं मिलता है ऐसा एक वीडियो आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी होता है, सांप हर जगह पर जाते हैं मिलते ऐसा नहीं होता, तो हर बार अगर कोई कॉल आ जाता है तो हम उनको पूरा खंगाल के बहुत सवाल पूछते हैं, सांप आप जगह पर है क्या, क्योंकि डर की काफ़ी लोग बाहर से फ़ोन करते हैं सांप नहीं होता और वो डर जाते हैं, हमें भी उनकी कदर है, लेकिन डरना ही सिर्फ वो जाने का कारण, इमोशनल बेस पर एक काम नहीं किया जा सकता। तो सांप किधर है, क्या है, मिलेगा कि नहीं, वो देखना पड़ता है और अपनी नज़र से देखना पड़ता है। तो सांप कहाँ पर भी आ जाए तो वहाँ पर सही में क्या जगह है, वो मिलेगा कि नहीं, वो सामान कितना है, नहीं मिलेगा तो सामान निकाल के बाद हम कितना टाइम लगेगा, और दूसरा फ़ोन है तो उधर भी जाना पड़ता है। तो आपने सब देखा है, सब निकाला हुआ है, मैं सांप पकड़ने वालों को भी बोलता हूँ कि आप इस तरह से कॉल वगैरह है तो उनको सब पूछिएगा, जैसे आप पूछते होंगे तो ये ज़रूरी है, साथ ही में टाइम मिले और जगह पर लोग हो ये भी ज़रूरी होता है। और साथ ही में मैं लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका डर सच है वो बोलने से सिर्फ ख़त्म नहीं होता, वो धीरे धीरे कम होने वाला एक सफ़र है, तो आप इतना तो सोच सकते कि सांप जो उड़ के नहीं काटता, कहाँ पर है थोड़ा सा आप खुद देखेंगे, आप हाथ पाँव अपनी सलामत रखकर, हाँ जहाँ पर हमें देखना है थोड़ा सा सामान वगैरह कितना है, डर थोड़ा सा साइड में करके, कि एक्चुअल में डर सांप पकड़ने के बाद ख़त्म होने वाला है, जिनको हम सांप पकड़ने के लिए बुला रहे हैं वो आने के बाद यहाँ पर सांप पकड़ेंगे क्या, ये खुद को सवाल पूछ के और सामान वगैरह कितना है वो जानकारी हम जो पूछ रहे वो आप बताएंगे, तो 2-3 मिनट का वक्त लगता है, बाकी आप डर के जल्दी आ जाओ नहीं आए तो डर लगता है, छोटे बच्चे ये मत ये कीजिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं है, हम सांप पकड़ने के लिए आ ही जाते हैं, तो आप अपने साथ अपने टाइम के साथ दूसरे की भी कदर करना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त दूसरा फ़ोन है तो उधर भी जाना पड़ता है। वीडियो इसी तरह से बनते रहेंगे, ये सफ़र जारी है, हमारा ये गुरुकुल यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अच्छा वीडियो लगे उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसी तरह की हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप डर दूर करने का ये फैसला जारी रहेगा, धन्यवाद। शाम का समय है, इस वक्त 7:20 हो रहे हैं, लेडीज़ बाहर है, ऐसे घर संत रोहिदास कॉलोनी आती है अनगोल एरिया में, और यहाँ पर एक सांप दिखाई दिया है, कहाँ है सर सांप, तो सर उन्हीं के हाथ में मैं एक आदमी जस्ट ऐसे ही मैं कोशिश करके आया, उधर सांप नहीं मिला था, नहीं मिला था उधर भी हम कोशिश कर रहे हैं, एक हल्का सा स्टिक उसका इस्तेमाल करेंगे, तो एक जगह पर अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सांप मिलेगा, बहुत सारे काफ़ी लोग हैं, अभी जस्ट एक वीडियो हमने बनाया वहाँ पर सांप नहीं पकड़ा था, ओके ऐसी ही जगह थी, लगभग 50 मिनट लगे, कितने चूहे थे सेम ऐसा ही घर, आस पड़ोस में खेती वगैरह थी, लेकिन सांप देखने के ऊपर सांप पकड़ रहता है, उनको भी मैं उसी में टाइम ये किया, लेकिन वो एक अकेली लेडीज थी, वो डर के दूसरे के घर में गई और उन्होंने बताया तब तक कहाँ पता नहीं सांप भाग गया था, इसलिए सांप पकड़ना, सांप के पकड़ने के लिए जो बुलाते हैं उनके ऊपर काफी डिपेंड रहता है, वो अगर अच्छी तरह से देखेंगे थोड़ा सा डर कम करके प्रैक्टिकल सोचेंगे कि उड़ के सांप नहीं काटेगा, तो इसलिए जब सांप कॉल करते हैं तो हम तो बताते ही है, लेकिन आप क्लियरली कैसा है क्या है मिलेगा कि नहीं और आप अच्छी तरह से देखते रहना बहुत जरूरी है, इसलिए सांप पकड़ना आसान भी हो जाता है, वहां पर मैंने 50 मिनट काम किया था, सांप नहीं मिला था, यहाँ पर मुझे लग रहा है इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ, वो मैं स्टिक नहीं लाया था जैसे पहले बोला है, झाड़ू का देने का।
इधर से हमको दिख रहा है एक्चुअली उसको, उसका मुंह दिख रहा है इधर से। उधर क्या है थोड़ा सा मैं ये करता हूँ नजदीक, आप ले सकते हैं नजदीक। ओके मेरा ओके, ये देखिए इस तरह से सांप यहाँ पर ये बैठा है देखिए, और हल्का से जाने करेगा तो भी ये कितने डरे सही में रहते हैं। जब तक आप अच्छी तरह से उनको देख रहे हैं तो सांप मिलना आसान हो जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं स्टिक नहीं है इसलिए झाड़ू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अंदर जा रहा है तो मैं आसानी के साथ ये देखिए किस तरह से जानने की कोशिश करेगा तो भी। इस तरह से मेरे हाथ में नाक साफ है, अच्छी तरह से कवर कीजिएगा सर। ठीक है, 10 सेकंड लगाए सांप पकड़ने के लिए। ये पकड़ना लोग में शाबाशी देते हैं, लेकिन ये पकड़ा आप लोग सब अच्छी तरह से देख रहे इसलिए, नहीं तो पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। और ऐसी ही जगह पर एक वीडियो बनाया है जो सांप नहीं पकड़ा उसका वीडियो बनाया है, क्या फर्क दे सकते हैं उन्हीं से, वही से मैं आ रहा था, इनका कॉल आया और आसानी के साथ मिला, अच्छी तरह से सांप वहाँ पर सामान वगैरह लगा नहीं था। प्लीज मैडम प्लीज प्लीज बाद में बातें करो, ये बताना जरूरी समझता हूँ क्योंकि मेरे दर्शक देखेंगे, सांप पकड़ने वाले देखेंगे, तो ये जरूरी बात है दोनों तरफ से, क्योंकि हमें सर्विस देना पड़ता है और दूसरा कॉल नहीं तो सर्विस दे पाते हैं। इसलिए मैं प्लीज विनती करता हूँ, आप जब सांप देख रहे हैं तो डरिए मत, अच्छी तरह से देखिए। आपके डर ज़्यादा है तो उससे सांप नहीं पकड़ पाते, क्योंकि आप डरेंगे सांप कहीं तो भाग जाएगा, आप देख नहीं पाते, इसलिए देखना ही अच्छी तरह से देखते रहना चाहिए। आपका हाथ पांव पड़ता है तब सांप खतरनाक है, तब खतरनाक है, नहीं तो सांप आपको जानबूझकर कुछ नहीं करता और वो निकल जाता है, और आपको जब दिखाई देता है उससे ज़्यादा आप खुशी की बात समझना चाहिए कि आपका पाँव पड़ सकता था, दिखाई दिया इसलिए आप पाँव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो उसके बाद आप जब फ़ोन करते हैं तो ये ख्याल जरूर रखिएगा कि हाँ अभी अच्छी बात है कि मैंने देखा है, डरना नहीं चाहिए अभी देख के जो कुछ है, और छोटा बच्चा क्यों ना हो घर में जो कुछ है वो उनको फोन करने के बाद जब हम पूछते हैं वो सवाल का जवाब दिया तो सांप पकड़ना आसान हो जाता है, बिल्कुल आसानी के साथ ये सांप पकड़ा हुआ है। इस तरह की बातें हम शेयर करते रहेंगे, आपसे वीडियो बनाते रहेंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी लगी बात तो लाइक जरूर कीजिएगा।